तो बात कर लीजिए भाई, 26 अप्रैल के दिन वीओ की फ्लैगशिप सीरीज वीओ X90 सीरीज हमें इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। लॉन्च होने से पहले इसके सारी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस, प्राइस पॉइंट हमारे सामने आ चुकी है। हालांकि बात कीजिए तो ये सीरीज में हमें वीओ X90 और X90 Pro लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में डेडिकेटेड वीओ X90 Pro के बारे में बात करने वाले हैं। बात कीजिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश, साथ में एक कॉर्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे हमें HDR10 का सपोर्ट, वाइड वन L1 सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगा और वे डिस्प्ले एकदम शानदार, खतरनाक, जबरदस्त होगा। बात कीजिए आगे प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें MediaTek Dimensity 9200 यानी 9216 प्रोसेसर, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5X RAM टाइप देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर भाई एकदम तगड़ा और शानदार है। आगे बात कीजिए कैमरा सेटअप के बारे में, भाई यहाँ पे बैक में 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा, 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 12 MP का यहाँ पे हमें टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलने वाला है। और भाई कैमरा में यहाँ पे जायज के साथ में ब्रांडिंग की जाएगी, यहाँ पे हमें सोनी का सेंसर देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई कैमरा तो एकदम चुम्बेश्वरी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और शानदार होने वाला है। बात की तो यहाँ पे हमें फ्रंट में 32 MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात की जाए बैटरी और चार्जर के बारे में, तो यहाँ पे हमें 4870 mAh की बैटरी और जो फोन ये 120W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करने वाला है। और जहाँ तक चांसेस है ये वीओ के ब्रांड के साथ में आ रहा है, वीओ का फोन है, तो हमें भाई जो 120W का चार्जर है वो हमें बॉक्स में ही देखने को मिल सकता है। और अगर बात की UI के बारे में, तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और FantaChoice 13 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। हाँ देखिए ये FantaChoice आ रहा है तो अब धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे ये सुधर भी रहा है। बात के सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे हमें कोई भी 3.5 mm वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे लेदर वाली फिनिशिंग का यूज किया गया है और अगर आप ये फोन को पकड़ोगे तो लगेगा भाई ये क्या प्रीमियम फोन यूज कर रहे हो, प्रीमियम फोन को आपने पकड़ा हुआ है। और बिल्ड क्वालिटी डिजाइन भी एकदम बढ़िया और शानदार है। बात कीजिए इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो भाई देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये इंडिया में हमें 26 अप्रैल के दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। और इसका जो बेस वेरिएंट है, जहां तक चांसेस है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में होगा, जो जिसकी प्राइसिंग हमें आराम से 75 से 80 हज़ार रुपये देखने को मिल सकती है। हाँ भाई वीओ के ब्रांड के साथ में आ रहा है, थोड़ा महंगा तो है। वैसे कि आपको क्या लगता है, अगर 75 से 80 हज़ार रुपये आपके पास में, तो आप वीओ का ये फ़ोन लेना प्रीफर करोगे? नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि भाई जिस टाइम पे ये फोन होगा उस टाइम मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा कि ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फोन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।